जिला राइफल शूटिंग प्रतियोगिता इटावा कुनौरा स्थित 28 बटालियन पीएससी की शूटिंग रेंज पर जिला स्तरीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता की जा रही है। महोत्सव एवं प्रदर्शनी के तत्वावधान में जिला राइफल क्लब द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद एवं सीओ सिटी अमित कुमार ने किया। कार्यक्रम प्रतियोगिता के संयोजक चंद्रमोहन तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर पिस्टल, 50 मीटर पॉइंट टू पॉइंट ओपन साइट महिला एवं पुरुष वर्ग में आयोजित किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 18 तारीख तक आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में इटावा के साथ साथ कानपुर फरुखाबाद के खिलाड़ी भी खेलते नजर आएंगे। खिलाड़ियों में जीतने की ललक भी दिखाई देगी। इस शुभारंभ के दौरान जिले के कई गणमान्य भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में जिला कमांडो, होमगार्ड, कस्टडी, स्पोर्ट्स ऑफिसर नरेश चंद्र यादव, राघवेंद्र मिश्रा, रानू मलखान सिंह, पल्लव राशिद, फिरदौस आसिफ, सुजल प्रभांशु, कौशल किशोर विशेष लोग मौजूद रहेंगे। ये इटावा महोत्सव एवं प्रदर्शनी के अंतर्गत जिला राइफल क्लब द्वारा आयोजित प्रतिवर्ष यह प्रतियोगिता होती है, जिला राइफल शूटिंग चैंपियनशिप, जो कि इसका ये 9वां संस्करण था। और इसको जिला राइफल क्लब प्रतिवर्ष आयोजित कराता है, जिसमें जिले के एवं जिले के आसपास के जो भी जिले हैं उनको भी हम प्रतिभाग करने का मौका देते हैं और जिलाधिकारी द्वारा इसकी स्वीकृति होती है। प्रतिवर्ष इसको हम कराते हैं, मैं इसका संयोजक रहता हूँ, हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी इसके संयोजक रहते हैं और सीओ सिटी साहब भी संयोजक रहते हैं। सर, लगभग कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? अभी तो देखिए, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे जो भीड़ है, करीब 50 से 100 खिलाड़ी हैं। अब कितने इसमें पार्टिसिपेंट हैं, कितने साथ में आए हैं, वो डिपेंड करेगा रजिस्ट्रेशन पर। बाकी और भी खिलाड़ी आएंगे, अभी कल का दिन भी है और कल शाम को इसका समापन होना है, तो देखते हैं कितने आते हैं। लेकिन हाँ, 100-150 खिलाड़ी अगर जिला स्तर पे आता है तो एक अच्छा कंपटीशन माना जाता है।